जय पीर पिथौरा डाडा, जय सचिया माता, जय शक्ति माता जी, झाला वंश की कुलदेवी, जय हरपाल देव दादा। झाला राजपूत क्षत्रिय झालावाड़ राजस्थान इतिहास वंशावली। झालावाड़ राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित झालावाड़ जिला है। यह झालावाड़ के हाड़ौती क्षेत्र का हिस्सा है। झालावाड़ के अलावा कोटा, बारा एवं बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। झालावाड़ मालवा के पठार के एक छोर पर झाला राजपूतों द्वारा बसाया हुआ यह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में झालावाड़ एवं झालरापाटन नामक दो पर्यटन स्थल है। इन दोनों शहरों की स्थापना 18वीं सदी में अंत में झाला राजपूतों द्वारा की गई थी, इसीलिए इन्हें जुड़वा शहर भी कहा जाता है। इन दोनों शहरों के बीच 7 मील की दूरी पर झाला वंश के राजाओं की समृद्ध रियासत का हिस्सा है। झाला रियासत क्षेत्र हाड़ौती कोटा राजवंश झाला राजस्थानी राजधानी झालावाड़ गढ़ महल झाला वंश के राजाओं का भव्य महल है। यह महल का निर्माण 1838 में राजा राणा राजराणा मदन सिंह ने शुरू करवाया था, जिसे बाद में राजा पृथ्वीराज सिंह ने पूरा कराया था। 1921 में राजा भवानी सिंह ने महल के पिछले भाग में एक नाट्यशाला का निर्माण करवाया था। निर्माण में यूरोपियन ओपेरा शैली का ख्याल खास ध्यान रखा गया है। कृष्ण सागर नामक विशाल सरोवर है। रैन बसेरा इमारत महाराजा राजेंद्र सिंह जी ने करवाया था। गागरौन किला काली सिंह नदी और आऊ नदी के संगम पर स्थित गागरौन फोर्ट झालावाड़ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। सूर्य मंदिर झालरापाटन का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यह मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में मालवा के परमारवंशी राजाओं ने करवाया था। भगवान द्वारकाधीश का विशाल मंदिर एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। झाला राजपूतों के कुलदेवता द्वारकाधीश को समर्पित है। यह मंदिर राजा झालम सिंह द्वारा बनवाया गया था। शहर के पूर्व में चंद्रभागा नदी के यहाँ चंद्रावती नगरी का नौलखा किला राजा पृथ्वीराज ने 1860 में शुरू करवाया था। झाला वंश का प्राचीन नाम मकवान था। केसर देव मकवान कीर्तिगढ़ थरपारकर सिंध हरपाल देव मकवान कीर्तिगढ़ वहाँ सुमरा से युद्ध होता था। हरपाल देव गुजरात पाटन चले आए थे। सोलंकी का राज था राजा करण सोलंकी का राज था। बाबरा भूत को हरपाल देव ने हराया था और माँ शक्ति से हरपाल देव का शादी हुआ था, जो राजा की बेटी थी। पाटड़ी की जागीर मिली। बाद में हरपाल देव ने कई गढ़ जीत लिए। मरमरा माता जी मकवान की कुलदेवी थी। कालांतर मकवान को झाला वंश कहा गया। माता जी ने झाल लिया तो उसके ऊपर से सरनेम झाला पड़ी। अंतर आद माता शक्ति माता झाला वंश की कुलदेवी के रूप में पूजने लगी। बाबरा भूत राजा की रानी को सताता था। राजा करण ने हरपाल देव की सहायता मांगी। शक्ति माता की सहायता से बाबरा को हरपाल देव ने हराया। राजा खुश हो गए। राजा ने हरपाल देव को कुछ मांगने को कहा। हरपाल देव ने कहा कि रात्रि में जितने गाँव का तोरण बांधू उतने गाँव मुझे दे देना। राजा ने मंजूर किया। हरपाल देव ने बाबरा की सहायता से पाटड़ी सहित 2300 गाँव को एक रात्रि में तोरण बांध दिया। राजा ने वचन अनुसार मंजूर किया। राजा घबरा गया, लेकिन हरपाल देव ने समझ गया और 500 गांव राजा की रानी को बहन बनाया था तो कपड़ा के उपलक्ष में लौटा दिया। कथा अनुसार राजा हरपाल देव की रानी शक्ति भैरवी पाटड़ी के बैल में झरोखे में बैठे थे। उस समय 3 राजकुमार जो उनके थे वो और एक चारण का बालक झरोखे के नीचे खेल रहे थे। तभी एक हाथी बंधन तोड़कर भागता हुआ उधर आया और संभवना बालक हाथी के पैरों तले कुचल जाते थे। देवी रानी शक्ति माता ने अपने हाथ फैलाकर उन बालकों को ऊपर उठा लिया, झेल कर रक्षा करने के कारण उस पीढ़ी मकवान से झाला कहलाने लगे। उसी चारण बालक को देवी ने टपली मार के साइड में कर लिया था। उस बालक की संतान टापरिया चारण करने लगी। धांगध्रा गुजरात हाड़वाद में शक्ति माता के विशाल मंदिर हैं। मेवाड़ के झाला शक्ति माता को आद माता के नाम से पूजते हैं। शक्ति माता के देहांत के बाद राजा हरपाल देव ने दूसरा शादी तरपर कर सोढ़ा राजपूत परमारों से की थी। बाद में राजा हरपाल देव पाटड़ी छोड़ के अंतिम दिन धामा गांव में 1130 तक रहे। झाला राजपूत सुवीर और लड़ाई क्षत्रिय हल्दी घाटी के युद्ध में झाला मान सिंह का बलिदान इतिहास प्रसिद्ध है। झाला राजपूत गुजरात और राजस्थान के
लाखों की तादाद में हैं। इनकी दो शाखाएं झाला और राणा, राज राणा के नाम से जाने जाते हैं। हरपाल देव के 19 पुत्र थे, जिनमें से एक मांगू जी लिंबड़ी था और उनका बेटा करण सिंह समला था। गुजरात में झालावाड़ के नाम से जाना जाता है। धांगध्रा 13 बंदूक सलामी, वांकानेर 11 बंदूक सलामी, लिंबड़ी और वढ़वाण 9 बंदूक सलामी, लखतर सायला चूंडा राजे थे। ताना ठिकाना तलावड़ा ठिकाना, सायला रियासत राजपुर, उनांद्रा लिंबड़ी लखतर लंबोड़ा कुनाड़ी झालावाड़ झालोद झाखन हमपुर जागीर गोकुंडा ठिकाना, धांगध्रा रियासत देवपुर ठिकाना, डेलवारिया ठिकाना, देद्रोड़ा रियासत, चुंडा रियासत, बारीसाड़ी रियासत, बगपुरा ठिकाना, ये सभी झाला राजपूतों के ठिकाने। मेवाड़ का बड़ी सादड़ी ठिकाना झाला राजपूतों का। इसी महान वंश में झाला राजपूत वीरों ने मेवाड़ के खातिर अपनी 7 पीढ़ी तक कुर्बानी देकर इतिहास में नाम अमर किया है। ऐसे महान राजपूताना के झाला राजपूतों ने मेवाड़ के राज्य के वृक्ष को अपने प्राणों से भी सींचा है। झाला राणा अजा अजय सिंह सिंहा आशा आस्करण सुरतान सिंह झाला मान यानी मान सिंह झाला दीदा हरिदास तक 7 पीढ़ी बलिदान अपने प्राणों की आहुति दिए। राणा सांगा के टाइम में झाला अजा ने उनका स्थान लेकर महाराणा सांगा यानी संग्राम सिंह को सुरक्षित युद्ध से मैदान से बाहर निकालकर उन्होंने स्थान लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में झाला मान ने यानी मानसिंह झाला ने महाराणा प्रताप की जगह लेकर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। झाला अजा के पुत्र सिंहा महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य के समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के चित्तौड़गढ़ पर किए दूसरे आक्रमण के दौरान दुर्ग के हनुमान पोल पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। झाला सिंहा के पुत्र आशा आसोजी महाराणा उदय सिंह की बनवीर के साथ चित्तौड़गढ़ में हुए लड़ाई में काम आए थे। आशा के पुत्र सुल्तान झाला ने महाराणा उदय सिंह के समय मुगल सम्राट अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय दुर्ग के सूरजपाल दरवाजे के पास वीर गति को प्राप्त सुल्तान के पुत्र बिदा झाला हल्दी घाटी में वीर गति को प्राप्त हुआ था। देदा के महाराणा अमर सिंह के समय मुगल सम्राट जहांगीर के साथ रानपुर की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुआ। देदा झाला के पुत्र राज राणा हरिदास ने मुगल सेना के साथ मेवाड़ी सेना को हुरड़ा गांव में युद्ध में वीर गति को प्राप्त। हलवद के झाला सरदारों का सर्वप्रथम अजमेर की जागीर प्रदान की गई 1528 में। 1615 में झालोद की जागीर महाराणा अमर सिंह ने राजराणा झाला राणा हरिदास को कानोड़ की जागीर दी। महाराणा करण सिंह ने राजराणा झाला राणा राय सिंह को सादड़ी की जागीर दी। मेवाड़ के बलिदान से खुश होकर महाराणा मेवाड़ की तरफ से झालाओं को राजराणा की उपाधि दी गई। महाराणा ऑफ मेवाड़ राजघराना बहुत इज्जत करते थे। झाला राजपूत गांव मसाली तणे बिरद रावण बोलाव्यो खंग थकी ओदिते तणे मंगल वर्तायो पोहो पाटण परणियों जगत को नातना जानी हुआ देव हरपाल शक्ति रीजी थई गई राणी संसार वात राखी सही अमर वेल उत्पन्न करी सोढ़ो मांगो ने सेखरो बा उमादे दीकरी पाटड़िए पोहो पाट महल कीधो मकवाणे राणी गोख रहंत गति को शक्ति न जाने। राय तणा गजराज मेह छूटिया मद मंता दूर पंथ देखिया राजवी कुंवर रमता सोढ़ो मांगो ने सेखरो लांबे कर झाली लिया ओ आके शक्ति अपनी कुंवर साख झाला किया। हरपाल वंश की 9 शाखा हुई मकवाणा राणींग बहो बाबल बरदाड़ा लजावंत लुणांग भला भलो अच भाई खतरवट राखण खांट जके पारकर जानो विठोड़ ने आपे जके जलरा वखाणो नव शाखा 9 खंडमा मकवाणा 10मो मणि एटली शाखा उजड़ तल तिलक साख झाला तणी हरपाल देव जी ने शक्ति देवी उपरांत थरपार करके सोढ़ा राजपूतों के राजकुमारी राजकुमार बा के साथ भी विवाह किया था। हरपाल देव जी ने 990 से 1130 40 साल तक शासन किया था झालावाड़ के ऊपर। जय शक्ति माता जय हरपाल देव दादा।
बड़ी सादड़ी राजराणा घनश्याम सिंह जी तक रॉयल रेस, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ राजराणा राज सिंह ऑफ हड़वद गुजरात धांगद्रा से कुंवर सजा सिंह से लेके कुंवर अजा सिंह से लेके बड़ी सादड़ी ठिकाना राजराणा झाला राणा चित्तौड़गढ़ तक रॉयल रेस। जय पीर पिथौरा नाना, जय सच्चे माता।